आप करवाते भी हैं तो ऑनलाइन करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें से 1800 में से 332 प्रश्न आपके गलत निकलते हैं। आयोग उन लोगों पर क्या एक्शन लेगा जो 332 गलत प्रश्न तालिका में लिखते हैं? क्या आपके वहां कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो प्रश्नों को प्रूफ रीडिंग कर सके, जो देख सके कि हम जो अभ्यर्थियों को परोस रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, या उनके प्रश्न के जवाब हमने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? क्या अनपढ़ लोग बैठा रखे हैं वहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आप लोगों ने? जो इस तरह का मजाक आप लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा की और उसके बाद उनके हाथ आता है 0/0। आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी, आप जैसे भ्रष्ट नेता, जिनके इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके सामने अब सीधे इन बच्चों को ही लेकर आ रही हूं जिनके साथ ये हुआ है। ये अपने ही मुंह से आपको बताएंगे कि किस तरह से गड़बड़ इनको दिखाई पड़ रही है रिजल्ट्स में। एक ही परिवार के कितने बच्चे निकाले जा रहे और बोनस मार्किंग से इनको क्या नुकसान हुआ, इनके ही मुंह से सुनिए इनकी बात। आपकी पीड़ा क्या है, कहाँ पर आपको लगता है? मैम हमारी सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, मैम आयोग ने जो क्वेश्चन दिए हैं ना मैम, उसमें से 332 क्वेश्चन तो मैम आयोग ने गलत कर दिए हैं। मैम एक बात बताइए, हमारी शिफ्ट में हमारे किसी ने वो नहीं डाला है, तो हमारे जो मार्क्स आ रहे थे 68 मार्क्स थे मैम हमारे, और जिन बच्चों के 62 हैं उनका हो रखा मैम सिलेक्शन। हमारी शिफ्ट टफ भी थी, नॉर्मलाइजेशन का ये चक्कर हमें मैम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हम चाहते हैं आयोग हमको इसका स्पष्टीकरण दे। मैम सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना इसमें ये है कि 16 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आप 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हो और हमारे बाद एक एग्ज़ाम होता है एलटी का, उसमें बच्चे बैठते हैं 2.5 लाख, हमारे एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं 80,000। आप 80,000 बच्चों का 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहे हो और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आप 7 महीने बाद दे रहे हो, और हमारे बाद जो एग्ज़ाम हुआ एलटी का 2.5 लाख बच्चों का कराया और वो भी ऑफलाइन, और उसका रिजल्ट हमसे 8-10 दिन पहले निकाल दे रहे हो। उसमें भी ऐसे ही उन बच्चों ने भी सवाल उठाया और हम भी सवाल खड़ा करते हैं कि सर आपने हम जैसे बच्चों के साथ क्या किया है, सर हम कहाँ जाए, सर हमारे माँ बाप ने बड़े मुश्किल से संभाला है, हम अपने आप को कैसे समझाएं, हमने किया क्या, हमने क्या पढ़ाई नहीं की, हम 70 मार्क्स ला करके भी हम मेरिट से बाहर हो जा रहे हैं और दूसरे वाला बच्चा 65 ला के भी मेरिट के अंदर हो जा रहा है। सर मैम हम इस मुहिम में सितंबर से लगे हुए हैं, सहायक लेखाकार में सेम यही समस्या हो रही थी। 12 से 14 सितंबर तक उन्होंने सहायक लेखाकार का पेपर कराया जिससे हमने 9 दिन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, 4 या 5 हमने रैलियां निकाल ली हैं। आयोग ने सितंबर में संवाद जारी किया था जो प्रश्न पत्र में जो हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ गलत हुआ है उनके लिए हमने एक विशेषज्ञों की टीम बैठा रखी है, तो अभी तक 3 महीने हो गए, उस टीम का अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, ना कोई संवाद के माध्यम से कुछ जारी नहीं हुआ है। यही समस्या हमारे साथ भी हो रही है। और दूसरी बात यह है, ये जो 14 से 18 नंबर का बोनस अंक बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें से 18 या